अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप अपने पीसी वगैरह की जो कैपेसिटी है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, इसमें कौन सी विंडो इंस्टॉल है और आपके सिस्टम की कितनी रैम है और इसमें कौन सा प्रोसेसर वर्क कर रहा है। तो इसके लिए आप सब दोस्तों को इस वीडियो में तमाम तरीकाकार बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकॉन वाला बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हम जो भी अपनी नई वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुँच जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपने करना क्या है, ये सिंपल सा एक तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने अपने पीसी या माई कंप्यूटर वाला जो आइकॉन है उस पर आपने राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने ये जो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है आपने इस पर सिंपल बस क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके सिस्टम की तमाम जो मालूमात है वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ये देखिए, ये मेरे सिस्टम में 4 GB जो है रैम है और इसमें जो 32 bit जो विंडो है वो 8 विंडो है। ये सारा कुछ मेरे जो सिस्टम है वो स्क्रीन पर शो हो चुका है। ऐसे आप अपने सिस्टम की कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी जो वीडियो है ये आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ जो बेल आइकॉन वाला बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो के मतलब अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।